आज एक बात का फैसला तो आपको करना पड़ेगा। ये जर्नी जो चल रहा है, इंग्लिश बोलने की जो जर्नी सुभाष कार्तिक के साथ, ये आपके लिए एक सजा है या ये आपके लिए एक मजा है? पहले तो बस ये मुझे क्लियर करो और जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे चैनल को कितना पसंद करो। जब सब्सक्राइब करते हो तो एक होप आपके अंदर रहता है कि नहीं, कि हाँ सब्सक्राइब करने के बाद और इस बेल आइकन को हिट करने के बाद मैं अपने इंग्लिश के लेवल को बेटर कर पाऊंगा। अगर ये होप आपके दिमाग में नहीं होता है तो प्लीज सब्सक्राइब ना करें। अगर जो इस चैनल में नए हैं, मैं हूं सुभाष कार्तिक और जी हाँ, मैं हेल्प करता हूं लोगों को इंग्लिश बोलने में, ताकि वो इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाए, करेक्टली बोल पाए और इम्प्रेसिवली बोल पाए। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बोलने वाला हूँ हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर इन 30 डेज। अगर आप सच में इसको जानना चाहते हो तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना, आपके दिल तक जरूर मेरी बात पहुंचेगी। जब भी मैं किसी को पूछता हूँ ना, खासकर मेरे स्टूडेंट्स को पूछता हूँ कि भाई तू इंग्लिश में प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं, सर मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सर बहुत प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है, आप अगर दिन रात प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ जल्दी होने वाला है? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये बोलूंगा कि आप अगर दिन भर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रहे हो, ये एक सजा लगेगी आपको, सजा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो। कोई भी काम को जब आप प्यार से करते हो, मजे से करते हो ना, तभी वो चीज आप बेटर कर पाते हो। आपको न्यूनतम और सरलतम प्रैक्टिस करनी है। सुनाई दिया मैंने क्या बोला? वैसे मेरी हिंदी इतनी तो अच्छी नहीं है, बट शायद आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा How to speak English with the help of Kaizen. दोस्तों ये Kaizen क्या है? चलो मैं आपको ले जाता हूँ 1945 में, after Second World War, जापान की हालत बहुत खराब थी और हमें इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। इतने सालों बाद आज अगर आप 2020 में जापान को देखोगे और इंडिया को देखोगे, जापान हमसे काफी आगे निकल गया है। लेकिन लॉजिकली अगर आप इसको देखोगे तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मैं बताता हूँ कैसे। उन्होंने अप्लाई किया काइज़न। काइज़न का मतलब होता है स्मॉल स्मॉल इम्प्रूवमेंट। वो छोटी इम्प्रूवमेंट कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि अभी आप लोग सब मुझे देख रहे हो, राइट? आप देख रहे हो ये घड़ी को, छोटी सी चेंज। अगर मैं इस घड़ी को यहाँ से हटा दूं और इसके जगह में अगर मैं ये यहाँ पे रख देता हूँ, तो क्या ये बेटर हो सकता है? अगर ये बेटर हो सकता है तो चलो इस काम को करते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको काइज़न की 5 ऐसी तकनीक बताऊंगा जो आपको इंग्लिश बोलने में, और वो भी नेटिव स्पीकर के जैसे बोलने में, आपको हेल्प करेगी। तो मेरा पहला तकनीक जो आपको देने वाला हूँ ये है, सिर्फ 7 मिनट आपको देने पड़ेंगे, 7 मिनट एवरी डे फॉर कमिंग 30 डेज। पॉसिबल है आपके लिए? फॉर एग्जाम्पल अभी मैं घर पे बैठा हुआ हूँ, या आई कैन सी देयर इज अ लाइट, आई सी देयर इज अ कैमरा, ओके, सो दिस इज माय मोबाइल आल्सो, माय मोबाइल इज वेरी नाइस एंड कैमरा इन माय मोबाइल, द कैमरा इज रियली वेरी गुड। गाइस आई एम स्पीकिंग विद माय सेल्फ। दोस्तों आपको इंग्लिश करेक्टली प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको बस इंग्लिश बोलना है। ओके यू स्पीक रॉन्ग इंग्लिश, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा टारगेट क्या है? नेटिव स्पीकर। और नेटिव स्पीकर का जो पहला इंपॉर्टेंट चीज है वो है इंग्लिश नेचुरली बोलना। आपको गलत होने का कोई डर नहीं। क्या आपको गलत होने का डर नहीं है? अगर है, उस डर से निकलने का एक ही तरीका है, बोलिए, सोचिए कम, बोलिए जो दिमाग में आ रहा है, बोलिए। और हर दिन मिनिमम 7 मिनट, 7 मिनट्स। ये आपको नहीं लगता ये न्यूनतम और सरल उपाय है आपके लिए? तो ये है मेरा पहला तरीका, हाउ टू स्पीक इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर इन 30 डेज। का दूसरा तरीका है एनकोडिंग। जी हाँ, एनकोडिंग। एनकोडिंग का मतलब होता है थिंक एंड स्पीक। कैसे? चलिए एक काम करते हैं। ये है ग्लास, ग्रामर की ऐसी की तैसी। मैं बोलना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस के दौरान ग्रामर को इम्पोर्टेंस नहीं देना है। ओके, तो चलिए एनकोडिंग करते हैं। दिस इज अ ग्लास, दिस ग्लास आई कैन ड्रिंक वाटर थ्रू दिस ग्लास आई कैन यूज इट एज अ पॉट टू कीप माय प्लांट्स, इवन आई कैन कीप माय कॉइंस आल्सो इनसाइड दिस ग्लास इफ यू टेल मी आई कैन स्पीक फॉर आवर्स। I'm just telling you, sitting at home, just encoding करते रहो, सोचो, बोलो, सोचो, बोलो, सोचो, बोलो। You don't have to be dependent on anybody. हर दिन कोशिश कीजिए कि एक नया word आप सीखो।
और वो वर्ड अगर वर्ब होता है ना तो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि एक वर्ब से आप उसके 7 फॉर्म्स निकाल दोगे। तो एक दिन में आप सीख तो रहे हो एक वर्ब, लेकिन सीखोगे 7 अलग अलग वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको एक वर्ड देता हूँ। ये वर्ड है स्काउल, स्काउल, SCOWL, स्काउल। स्काउल का मतलब होता है किसी के तरफ गुस्से से देखना। ये है एक वर्ब, इसका मतलब है इस वर्ब को हम 7 डिफरेंट फॉर्म्स में लिख सकते हैं। स्काउल मदर फॉर्म, स्काउल प्रेजेंट वन, स्काउल्स प्रेजेंट टू, स्काउल्ड पास्ट, स्काउलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, स्काउल्ड पास्ट पार्टिसिपल, टू स्काउल इनफाइनाइट फॉर्म। तो दोस्तों, अगर आप सच में जानना चाहते हो कि एक वर्ब को आप 7 डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे निकालोगे, तो इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो हाउ टू स्पीक इंग्लिश करेक्टली बनाया गया है। आप इस सेशन को अटेंड करने के बाद आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। स्पीक विद फीलिंग्स। पता है, जब भी हम लोग नेटिव स्पीकर की बात करते हैं, खासकर हमारी नेटिव जो लैंग्वेज है हिंदी, जब हम बोलते हैं ना अपनी मातृभाषा में, रोबोट के जैसे नहीं बोलते हैं। अभी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्या मैं रोबोट के जैसा बात कर रहा हूँ? नो राइट, मैं फील कर रहा हूँ। स्पीक विद फीलिंग्स। सो दोस्तों, जब भी प्रैक्टिस करें 7 मिनट के लिए, हमेशा फीलिंग के साथ प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं बैठा हुआ हूँ और अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई एम सिटिंग हियर, आई एम फीलिंग सो गुड। आई नो आफ्टर 90 days, आफ्टर 30 days, आफ्टर 60 days, द मोर आई विल प्रैक्टिस, आई विल बी अ बेटर स्पीकर। सो यू कैन सी, आई एम प्रैक्टिसिंग अलोन, आई डोंट नीड एनीबडीज हेल्प, बट आई एम स्पीकिंग विद फीलिंग्स। दोस्तों, जो हमारा पांचवा तरीका है वो है गो विद द फ्लो। जी हाँ, अगर ऐसा हो कि आपको टाइम निकालना ही ना पड़े और इंग्लिश बोल भी दें आप जो 7 मिनट आपको चाहिए, क्या आप वो अकेले अपने काम के बीच नहीं कर सकते? फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं खाना बना रहा हूँ। आई एम मेकिंग रोटी फॉर माई सिस्टर। आई डोंट नो हाउ विल इट बी, but I have done my best, so let it, I'm practicing. Okay, suppose I go to my bathroom and I bathe. जब मैं नहाता हूँ तो मैं इंग्लिश में बोल नहीं सकता। Yes, I'm now starting my shower. Oh my god, the water is so chill. I can practice like this. Yeah, same thing if you do it in English, you will see drastic change in your communication skill, and you will be a native speaker in 30 days if you apply these 5 techniques, and after that 30 days means 90 days you will be a gargantuan speaker. Yes, ab main ye gargantuan word ko kafi use karta hu. Gargantuan ka matlab hota hai top class, जिसके ऊपर कोई नहीं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हो हर दिन ये 5 तकनीक को अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने के लिए? अगर आप हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए आई एम रेडी। जी हाँ दोस्तों, मैं सच में देखना चाहता हूँ जितने मेरे व्यूअर्स हैं उनमें कौन कौन से व्यूअर एक्शन ओरिएंटेड हैं, जो सच में इस पे काम करना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुभाष कार्तिक अभी आपसे विदा लेगा और आ रहा हूँ फिर मैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।